गोंडा के नंदनी नगर महाविद्यालय के स्टेडियम में चल रहा 3 दिवसीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता के दौरान सेना की टीम ओवरऑल चैंपियन रही, जबकि रेलवे के दूसरा व हरियाणा की टीम को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। विजेता टीमों को खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी व भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। नंदनी नगर स्टेडियम में आयोजित इस सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल मुकाबले के 57 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के अमन को स्वर्ण पदक मिला। दिल्ली के अभिषेक को रजत व सेना के हरविंदर और रेलवे के अब्बा साहेब को कांस्य पदक मिला। 65 किलोग्राम में सेना के रोहित व सेना के ही श्रवण को रजत पदक मिला। 74 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल महाराष्ट्र के स्टार प्लेयर और कॉमनवेल्थ गेम के स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह यादव बड़े उलटफेर का शिकार हुए और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। रेलवे के प्रीतम को गोल्ड और दिल्ली के यश को रजत पदक मिला। 79 किलोग्राम में गौरव बालियान को और 92 किलोग्राम में सेना के विक्की को स्वर्ण पदक मिला। वहीं 125 किलोग्राम में महाराष्ट्र के शिवराज को गोल्ड व हरियाणा के मोहित को सिल्वर मेडल मिला। टीम मुकाबले में सेना की टीम 165 पॉइंट को साथ ही पहले स्थान पर रही। 150 पॉइंट के साथ रेलवे के दूसरा, 132 पॉइंट के साथ हरियाणा टीम तीसरे स्थान पर रही। देखिए, जहाँ तक कुश्ती के क्षेत्र में पूरी दुनिया में इस समय भारत की एक पहचान है, और उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे खिलाड़ियों का है, उनके माता पिता का है, और दूसरा जो पार्ट हम लोगों का है, जैसे रेफरशिप कराना, टूर्नामेंट का आयोजन करना, हर टूर्नामेंट का आयोजन करना, अच्छे से कराना, वो हम लोगों का पार्ट है। और मैं कह सकता हूँ कि आज तक हमने बड़े नेशनल कराए, लेकिन सबसे शानदार नेशनल इस बार हुआ है, जो कि अयोध्या के अंदर हुआ है। विकास प्राधिकरण के अंदर पहली बार अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंदर ये क्षेत्र आया है, तो शायद उसी का प्रभाव है कि सबसे शानदार नेशनल हुआ है। 1200 कुश्ती के खिलाड़ी यहाँ पर आए और एक से एक धुरंधर रहे, कुछ उलटफेर भी देखने को मिला, तो क्या नए खिलाड़ियों को भी लग रहा है कि इनको इस मंच से मौका मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, आप देखें कि अभी 10 दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो बच्चे मेडल लेकर के आए हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है, और नए बच्चों ने ये काम किया है। इससे ये पता लगता है कि हमारी सेकंड लाइन कितनी मजबूत है, और हम कह सकते हैं कि हमारी सेकंड लाइन बहुत मजबूत है। पिछले ओलंपिक में भी आपने देखा होगा कि 4 मेडल की मैंने बात की थी, लेकिन विनेश फोकाट का मेडल जाना भी एक दुखद प्रकरण रहा, और दीपक पूनिया का हमारे हाथ से निकल गया, वो भी दुखद प्रकरण रहा। फिर भी 2 मेडल लेकर के हम आए, हमारे बच्चे आए, और अब मुझे उम्मीद है कि 2024 में ये आंकड़ा हमारा बढ़ेगा और शानदार आंकड़ा बढ़ेगा। इसके लिए मैं जो हमारे ये बच्चे हैं, उनको अपने तरफ से बधाई देता हूँ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए खेल राज्य मंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए गौरव की का क्षण है कि खेल की दुनिया में गर्व, उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री ने लखनऊ में खेल अकादमी बनाने की घोषणा भी की है। वहीं अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि अब ट्विटर का जमाना है, अखिलेश यादव व राहुल गांधी क्या ट्विटर कर रहे हैं, प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। और निश्चित रूप से टोक्यो ओलंपिक में जब हमारे देश के खिलाड़ियों ने जो मान सम्मान बढ़ाया, विशेष रूप से कुश्ती में, तो दो दो मेडल लाए कुश्ती में, क्या करें, उसके बाद से कुश्ती के क्षेत्र में और हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। और आपने देखा होगा कि 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में, बड़े भाई ब्रजभूषण शरण सिंह जी के सानिध्य में, लखनऊ के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुश्ती से भी संबंधित और जितने भी उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के हमारे खिलाड़ी जो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान के सम्मान को बढ़ाने का काम किए थे, उन सभी लोगों को सम्मानित करने का काम और एक पुरस्कार राष्ट्र देकर के भी सम्मानित करने का काम किया गया था। तो निश्चित रूप से
आज खेल जगत में काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, और चाहे वो कुश्ती के खिलाड़ी हों चाहे अन्य क्षेत्रों के खिलाड़ी हों, आज खिलाड़ियों के अंदर एक जज्बा कायम हुआ है, और जिसका नतीजा था कि आपने देखा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक भी आज़ादी के 75 साल के इतिहास में ऐतिहासिक मेडल, 19 मेडल हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों ने जीत कर दिलाए, उनको भी सम्मानित करने का काम अभी 11 तारीख को राष्ट्रीय धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। तो निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों के लिए, 24 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए ये गौरव का क्षण है कि आज खेल की दुनिया में आज हमारा उत्तर प्रदेश बहुत तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुश्ती के क्षेत्र में भारत की एक पहचान है, इसमें बहुत बड़ा रोल खिलाड़ियों का है, उनके माता पिता का है, दूसरा पार्ट हम लोगों का है, जैसे टूर्नामेंट के आयोजन कराना, रेफरशिप कराना, वह हम लोगों का पार्ट है। मैं कह सकता हूँ कि अब तक जो नेशनल कराए गए उसमें यह आयोजन सबसे शानदार रहा है, जो कि अयोध्या के अंदर हुआ है, अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंदर हुआ है, और शायद यह उसी का प्रभाव रहा है कि यह सबसे शानदार रहा है। उलटफेर के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 10 दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो बच्चे मेडल लेकर आए हैं उन्हें भी यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। इससे यह पता चलता है कि हमारी जो सेकंड लाइन है वह काफ़ी मजबूत है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हिंसा करने वाले लोगों की गिरफ्तारी पर आरोपियों को सहायता देने के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के ऐलान पर ब्रजभूषण ने कहा कि कांग्रेस इस देश में जैसी राजनीति कर रही है उसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी किया था और भिंडरावाले को बढ़ावा दिया था, उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा है। एक ऐसी राजनीति का ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब विशेष करके कांग्रेस के लोग, इनको कोई शर्मिंदगी नहीं रह गई है किसी बात के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आतंक मचा था और जिस तरीके से हमारे सिपाहियों ने, आपने देखा होगा, लाल किले के अंदर कूद कूद करके जान बचाई, नाली में गिरे हैं, उसके बाद जो है उन सिपाहियों का सम्मान न करने के बाद जो ऐसे कृत्य किए हैं, और मेरा मानना है कि जो ये किसान आंदोलन है ये भी केवल किसानों का मूवमेंट नहीं है, इस पर भी तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है कि ये लोग क्या करेंगे, देखिए आगे क्या करते हैं, और ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। क्या मानसिकता से इस तरह का काम कदम उठाया है चलने? देखिए इसके पीछे वोट की मानसिकता है, और जैसे हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यानी कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे अमीर हो गरीब हो सबको लेकर के चलना, ये मोदी जी का नारा है। और ये आज के जो नेता हैं या आज की जो पार्टियां हैं ये देश को जोड़ने के बजाय देश को तोड़ने में ज़्यादा विश्वास रख रही हैं, कमज़ोर करने में ज़्यादा विश्वास रख रही हैं। ऐसे तत्वों को जो देश के खिलाफ नारा लगाते हैं, भारत माता का अपमान करते हैं, झंडे का अपमान करते हैं, तिरंगे की जगह पर अपना झंडा लगाते हैं, उनको समर्थन दे करके ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। जैसे कभी इंदिरा जी ने भिंडरा वालों को बढ़ाने का काम किया था और उसका नतीजा देश ने बहुत बड़ा भुगता, और इंदिरा जी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, और कुछ इसी रास्ते पर जो है कांग्रेस पार्टी समय चल रही है।